टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑलरेडी हमने प्लस वन में किया भी हुआ है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने ये एज्यूम किया था कि अगर कोई भी वेव है और दो वेव्स हैं रादर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, आपस में सुपर इम्पोज हो जाए तो एक नई वेव निकलेगी। और कैसे निकलेगी इसको समझने के लिए पहला डायग्राम ये है। अगर पहली वेव का एम्पलीट्यूड वाई वन है और दूसरी वेव है वाई टू है, और जो एड होके क्रेस्ट पे गिरेगा तो नया क्रेस्ट बनेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड वाई हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट वाई हो जाएगी। ऐसी ट्रफ पे गिरेगा, बड़ा ट्रफ है, और ऐसी अगर क्रेस्ट, ये बड़ा क्रेस्ट है ये छोटा ट्रफ है, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इसके डिस्प्लेसमेंट में से इसे माइनस करेंगे तो नई डिस्प्लेसमेंट आएगी। इसको ऐसे समझते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। इमेजिन करो एक पॉइंट है पी, इमेजिन करो कोई पॉइंट है, ये रहा पी, पी पॉइंट रेस्ट पे है, एक रस्सी है, किसी ने एक वेव जनरेट की, यहाँ से एक वेव जनरेट की, तो यहाँ से जब वेव जनरेट हुई तो इसका एम्पलीट्यूड था टू, यहाँ से वेव जनरेट हुई इसका एम्पलीट्यूड था थ्री, और मान लो पी पार्टिकल पे ये इकट्ठी पहुँचती हैं। अब पी पार्टिकल को ये वेव कह रही है कि 2 मीटर ऊपर जाना है, ये कह रही है कि 3 मीटर ऊपर जाना है, तो अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल 2 + 3 ये कितना ऊपर जाएगी, 5। ठीक हो गया। अब कई लोग सोचते हैं कहानी खत्म, बस ठीक है उसके बाद ये 5 पे ही रहेगी, ऐसा तो ना होगा। ये इंस्टेंट की फोटो है, अगले इंस्टेंट पे क्या होगा। देखो वेव क्रॉस कर रही थी तो एनर्जी तो क्रॉस अभी भी करेंगी, तो अगला डायग्राम ये बनेगा। ये जो 3 मीटर वाली है वो आगे आगे इधर चली जाएगी और 2 मीटर वाली इधर चली जाएगी, और पी पार्टिकल वापस किस पे आ जाएगा, एट रेस्ट। तो अगर कॉन्टिन्यूस ट्रेन ऑफ वेव है फिर पी पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करेगा, लेकिन एक वेव पल से एक ही बार मूव करेगा, फिर नहीं मूव करेगा। ठीक है, और उल्टा भी ट्रू है। अगर मान लो यहां से ट्रफ आ रहा है, यहां से क्रेस्ट आ रहा है, पी पार्टिकल पे इकट्ठे पहुंचे, ये 3 है मान लो, ये 2 है, तो अल्टीमेटली ये सिर्फ 1 मीटर ऊपर जाएगा, उसके बाद ये वाली वेव आगे चली जाएगी और ये वाली वेव लेफ्ट चली जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर डेफिनेशन पढ़े इसकी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हेन 2 or more वेव, सिर्फ 2 ही नहीं, 2 से ज्यादा वेव भी ट्रेवल कर सकती हैं, ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, तो ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन ट्रेवल करनी चाहिए, ऑपोजिट भी कर देती है प्रॉब्लम नहीं है कोई, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, तो दोनों चाहे ऑपोजिट है चाहे सेम है फर्क नहीं पड़ता, सुपर पोजिशन हो जाती है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम से कैलकुलेट होगी, y1 vector + y2 vector। तो मतलब 2 में 3 ऐड करना है या 3 में से 2 माइनस करना है, ये वेक्टर रूल आपको बताता है। तो ये प्रिंसिपल सुपर पोजिशन है। अब इसको यूज करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्चुअल वेव ऑप्टिक्स यहां से स्टार्ट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।